आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जैसे हमको दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स का हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो है, आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है आपकी 5 है, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या आती है, 5 के बाद हमारा क्या आता है, 6 आता है। तो हमको यहाँ पर क्या लिख देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो 5 6 30, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये पीछे की जो डिजिट है 5 एंड ये 5, दिस 5 इंटू दिस 5, ये हमको लिख देना है। 5 5 जा 25, ये आपका गिवन मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ये प्रोसेस हम कब यूज़ करेंगे, जब आपकी फर्स्ट डिजिट है दोनों नंबर्स की वो सेम हो, और सेकंड डिजिट जो है आपकी दोनों नंबर्स की, उनका एडिशन आपका जो है वो 10 होना चाहिए, तभी हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी 6 और 4 10 हो रहा है एडिशन सेकेंड डिजिट का, और फर्स्ट डिजिट जो है आपकी सेम है, तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 3 जा 6 लिख दिया हमने, ठीक है। एंड 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, 4 3 के बाद हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, तो 3 4 जा 12, और 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया आपका 24। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, एंड 8 2 जा 16 हो गया आपका। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 जा आपके हो गया 42, ठीक। और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है, तो हम 09 लिखेंगे यहाँ पर। लास्ट की ये जो डिजिट है वो हम 09 लिखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके जो हैं फर्स्ट डिजिट सेम हो दोनों नंबर की, और लास्ट दो डिजिट जो हैं सेकेंड डिजिट जो हैं वो उन दोनों का एडिशन जो है आपका 10 होना चाहिए। तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि आपकी शॉर्ट ट्रिक है फॉर मल्टीप्लिकेशन।